ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे टी20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान की टक्कर इंग्लैंड के साथ है। पाकिस्तान का टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हरा कर फाइनल में पहुंची है। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने एक तरफा मुकाबले में भारत को 10 विकेट हरा कर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अब दोनों टीम फाइनल में आमने सामने भिड़ रही है और ये मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। टी20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे मेलबोर्न ग्राउंड में खेला जाएगा। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 137 रन बनाए और रिजवान ने 15 रन बनाए। उसके बाद मोहम्मद हासिम 4 रन, बाबर आजम 32 रन, इफ्तिखार अहमद 0 रन, शान महमूद 36 रन, सादाब खान 20 रन, मोहम्मद नवाज 5 रन और मोहम्मद वसीम 4 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह पाकिस्तान 20 ओवर में 8 विकेट पर 137 रन ही बना पाए। इंग्लैंड के तरफ सैम कुरान 3 विकेट, आदिल रशीद को 2 विकेट, क्रिस जर्डन को 2 विकेट और बेन स्टोक को 1 विकेट मिला। इंग्लैंड पारी की बात करें तो शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहला विकेट एलेक्स हेल्स 1 रन बनाकर आउट हुए। दूसरा विकेट के रूप में फिल सॉल्ट 10 रन बनाए। इंग्लैंड को झटका लगा जब जॉस बटलर 26 रन बनाकर आउट हुए। चौथे विकेट के रूप में हैरी ब्रुक्स 20 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की पारी में 60 रन के अंदर 4 विकेट गिर गई। पांचवा विकेट के लिए बेन स्टोक और मोइन अली दोनों मिलकर पारी को आगे बढ़ाने लगे। इंग्लैंड ने 17वां ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए। इंग्लैंड को पांचवा झटका लगा जब 18.2 ओवर में मोइन अली आउट हो गई। उन्होंने 19 रन बनाए लेकिन बेन स्टोक और मोइन अली दमदार पारी ने इंग्लैंड को जीत के पार पहुंचाया। इंग्लैंड 19 ओवर में 5 विकेट खोकर 138 रन बना लिया और टी20 वर्ल्ड कप 2022 अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड ने बना दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन। बेन स्टोक 49 बॉल पर 52 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से हैरिस रूप को 2 विकेट, मोहम्मद वसीम को 2 विकेट, शाहीन अफरीदी को 1 विकेट मिला। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।